हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे कहीं आपका भी लैपटॉप हैक तो नहीं हो गया है। उस हैकिंग को कैसे चेक करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपको आना है विंडोज और आर दबाना है। जैसे विंडोज और आर दबाएंगे आपको पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि होगा रन। उसमें क्या करना है, आपको लिखना है सिग वेरिफ, SIGVERIF। जैसे आप ये लिख देंगे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ओके प्रेस करना है। ओके पर जैसे प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, जो आपका स्कैनिंग होगा वो शुरू हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं फाइल सिग्नेचर वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। और याद दिख रहा है टू हेल्प मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ दिस सिस्टम क्रिटिकल फाइल्स हैव बीन डिजिटली साइन सो दैट एनी चेंज टू दिस फाइल कैन बी क्विकली डिटेक्टेड। क्लिक एडवांस टू कस्टमाइज इसका कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या कर रहा है, मेरा स्कैनिंग कर रहा है मेरा डिवाइस ड्राइवर को। अगर कोई भी मेरे में वायरस होगा तो वो मात्र 2 मिनट के अंदर में उनको पता करके दे देगा कि आपका लैपटॉप हैक है नहीं, या किसी के सिस्टम में चल रहा है नहीं, या आपको कोई एक्सेस कर रहा है कि नहीं। अभी ये समय थोड़ा लगेगा, 21% हो गया है और ये बहुत कम समय में आपको यहाँ पता कर देगा कि मतलब आपका सिस्टम है कि है कि नहीं। अगर होगा तो आपको वहाँ से उसको वहाँ से हटाना होगा। तो मेरे ख्याल से अभी ये पूरा स्कैनिंग कर रहा है, तब तक वेट कर रहा है और फाइल सिग्नेचर शुरू हो गया है मेरा। अभी ये मेरा पूरा स्कैनिंग यहाँ पे लगभग खत्म हो चुका है, 92% हो चुका है। देखते हैं अभी कितना समय लगेगा इसमें। और देखिए मैं 98% जो है डिवाइस जो ड्राइवर है वो मेरा चेक हो चुका है और यहाँ पूरा फिर से दोबारा स्कैनिंग कर रहा है और पूरा हो चुका है। अभी यहाँ पर कोई भी मेरा जो फाइल है वो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं वो दिखा रही हैं, बस बाकी विंडोज़ का है, बाकी से कोई मतलब नहीं। अगर कोई वायरस होता तो उसको स्कैन करके बता दिया होता क्या दिक्कत है।